हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। इसमें दिया 1001 × 11 = 110,000 + 11 × डैश। तो डैश की जगह हम एक्स लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बहुत तरीके हैं, बट शॉर्ट तरीका क्या, जब किसी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई करना हो और डबल जीरो बीच में हो तो सीधा हम 11111 ये होगा इसका मल्टीप्लीकेशन। और करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर 1000 + 1 × 100 + 1 तो यहाँ से 10,000 1,00,000 हुआ, प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 1, तो ये हो गया 11,111। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इधर 110,000 प्लस 11x, तो जब 11,111 में से 110,000 को घटाएंगे तो बचेगा 1111 / 11 = x। तो ये हो गया 11 × 11 = 0, 11 × 11 यानी x का वैल्यू 101। और ये हमारा ऑप्शन नंबर रहा बी। जैसा कि फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 × x, तो हमें वैल्यू x का निकालना है। तो 5000 + 600 हो गया 5600 = 7x, और 7 से जब इसे काटेंगे तो 7 × 56 यानी x का वैल्यू 800। और ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है यदि 36 और 48 का सार गुणनखंड, 36 और 48 का सार गुणनखंड, तो 36 और 48 का सार गुणनखंड मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा, तो दोनों को कॉमन भाग करने वाले कौन कौन हुए, 1, 2, 3, 4, 6, 12 का गुना बराबर 999 + 9 × x, तो हमें वैल्यू x का निकालना है। तो इसका मल्टीप्लाई 2 × 6, 6 × 24, 24 × 6 = 144, 144 × 12 यानी 12 × 48, 12 × 48 और 4 × 52, 12 × 12 = 5, 17। 1728 में 999 घटाएंगे तो हो जाएगा 729, और 729 को 9 से डिवाइड कर दिए हो गया 81। तो अपना ये ऑप्शन रहा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 26679 को 39 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल तथा 29405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का अंतर 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम भाग लगाएंगे। जैसा कि भाग लगाते हैं, 39 से भाग लगाए तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ और 34 से भाग लगाए तो शेषफल 29 प्राप्त हुआ। आगे प्रश्न है कि दोनों का अंतर यानी 29 में से जब 3 घटाएं तो बचा 26, और इस 26 में जब 18 से भाग लगाया जाता है तो प्राप्त शेषफल कितना होगा। 18 × 18 घटाएंगे बचा 8, और यही है अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार गुणज भागा 90 बराबर किसका हो। तो सार गुणनखंड वो भी छोटा पूछा जाए तो एलसीएम निकालते हैं। 36, 54 और 60 इसका एलसीएम हो जाएगा 60 × 180, 18 × 54 यानी 540 इसका सार गुणनखंड, सार गुणज हो गया। और इसको जब भाग लगाएंगे 90 से
तो बचा। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि अगर सबसे छोटा सार्वगुणज दिया रहे तो हम एलसीएम निकालते, आसानी से निकाल लिए एलसीएम, और दिया गया था 90 से भाग करेंगे तो 90 से भाग के आया 6, और 6 आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, सोनू के पास 5 दर्जन ट्रॉफियां हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमिताभ को, 5/2 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दिया। सोनू के पास बची ट्रॉफियों की संख्या क्या है? यहाँ फ्रेंड्स 5/2 गलत है, 2/5 होना चाहिए था। 5 दर्जन का मतलब 12×5 यानी कि 60 ट्रॉफियां हैं सोनू के पास। 1/3 भाग अमिता को दिया, अमिता को 1/3 भाग का मतलब 20 ट्रॉफी अमिता को दे दिया। फिर अनिल को दिया इसका 5/2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है, 5/2 नहीं 2/5 ट्रॉफी होगा, तो 12×60 यानी 24 ट्रॉफियाँ अनिल को, और हमीदा को दिया 60×1/12 भाग यानी कि 5 ट्रॉफी हमीदा को मिली, तो कुल मिला के उसने 49 ट्रॉफियाँ बांट दी, तो उसके पास बची 60-49 यानी कि 11 ट्रॉफियाँ सोनू के पास बची। यही आपका रहा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, 112 इकाई प्लस 12000 बराबर 11012 प्लस डैश दहाई, डैश की जगह एक्स फिल करते हैं, और जैसा कि बताया जा चुका है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को नोटेशन यानी कि इसको नंबर्स में लिख लें 12000, तो ये हो गया 12112, इसमें से माइनस करेंगे 11012 तो बचेगा 0011 यानी 1100, और कितना दहाई, तो दहाई का मतलब एक्स गुने 10, तो हमें वैल्यू एक्स का निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दिए, हो गया 110 इकाई, सॉरी दहाई। ये रहा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ही माप यानी साइज की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो ऐसे 16 बोतलों में दूध की मात्रा कितनी होगी? फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का टाइप्स मैच कर रहा है, सेट वन में भी इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न थे, तो इसको करने का तरीका क्या, 51 लीटर और 750 मिलीलीटर है, तो इसे हम मिलीलीटर में ही चेंज कर देते हैं, हो जाएगा 51000 प्लस 750 ml, तो कुल मिला के हुआ 51750 ml, और इसको करना है 23 बोतलों में इतना दूध भरा जाता है, ऐसे 16 बोतलों में दूध कितनी हो, तो ये सारे 23 बोतल में भरे जाते हैं तो 16 बोतल के लिए पूछ रहा है, तो इसे 23 से भाग दे देंगे और 16 से गुना, जब 23 से भाग लगाएंगे तो 23×46 557, 23×46 11 बचा, 23×5 115 और 0 का 0, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16×5 80, 16×32 32×8 40, 16×32 32×4 36, हो गया 36000 ml, 36000 ml मतलब 36 लीटर। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ेंगे, किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है, यदि भूमि पर दो नगर 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी? तो फ्रेंड्स इस सब को हम एपिक नियम या फिर रेशियो के नियम से भी बना सकते हैं, 1/2 सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर हुआ, और 0.5 सेंटीमीटर मैप का जो डिस्टेंस है वो भूमि पर है 200 किलोमीटर के बराबर, तो पूछ रहा है क्या, अगर दो नगर के बीच वास्तविक दूरी 1800 किलोमीटर है, 1800 किलोमीटर तो मैप के कितना डिस्टेंस हो, मैप पे कितना डिस्टेंस होगा, तो इसे हम मानते हैं x, और 0.5/200 बराबर x/1800,
200 खत्म, 2 × 18 तो x बराबर हो गया 9×45 यानी 4.5 सेंटीमीटर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो देख रहे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस का सीरीज देखने के लिए सेट नंबर 1 भी आप लोग जरूर देखें और आगे आने वाली सेट भी अवश्य देखें। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 एक मिली लीटर एक लीटर का शतांश है, एक मिली लीटर यानी 1 ml बराबर एक लीटर में होता है कितना 1000 ml है ना, और एक शतांश का मतलब क्या, इसको 100 से भाग करें तो 100 से भाग करेंगे तो 10 बचा, तो ये बराबर है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा यही हो गया उत्तर। पूछा था कौन गलत है तो यही उत्तर, और बाद बाकी ऑप्शन सही होंगे क्योंकि सिर्फ एक ही रॉन्ग होता है, इसलिए आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें है एक घनाभाकार बक्से 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाकार बक्से की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तनु इन बक्सों में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है, तो उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर एक घन आम है, एक घन है और एक छोटा सा घन है, हालांकि एग्जाम में तो आप ये फिगर बना नहीं सकते, बस समझने के लिए और प्रैक्टिस के लिए बना दिए हैं ताकि आसानी से आप लोग समझ जाएं। तो करना क्या है कि इन दो बक्सों में ये छोटे वाले घन को डालना है और ऐसा ऐसा 3060 घन तनु को इन बक्सों में डालना है, तो देखते हैं कितना घन इसमें आएगा। जानने के लिए इसका वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ऐड करेंगे। वॉल्यूम 1 कितना होगा, LBH होगा और इसका होता है a क्यूब घन का होता है, LBH यानी 9×11×13+12 का क्यूब 143, 13×11 143 143, 9×3 27, 9×4 36, 2×38, 9×9 = 312, 1287 और 12 का क्यूब होता है 1728, ऐड करेंगे इसको 8×7 = 15, 8×2 = 10, 1×11 = 11, 7×2 = 9 = 10, 2×1 = 3, यानी 3015 सेंटीमीटर क्यूब आया, यानी 3015 घन हुए और कुल इसको डालना 360 घन, तो बच कितना जाएगा, 3060 में 3015 घटा दीजिएगा यानी 45 घन बच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 12 में कह रहा है क्या, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है, किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। तो देखते हैं एक आयत है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है और चौड़ाई हो गई 21 सेंटीमीटर, और एक वर्ग है, वर्ग जिसके भुजा की लंबाई आयत की लंबाई की 2/3 यानी इसकी 2/3 है, तो 16×48 16×32 यानी कि इसकी भुजा 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोले दोनों के क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल का योग इसका L×B होता है और इसका A² होता है, तो 48×21+32 का स्क्वायर यानी 32×32, तो हर जगह सीधा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कभी कभी शॉर्ट भी करेंगे, इन दोनों में 16 कॉमन ले लेते हैं तो बच गया 3×21+2×32, ताकि कैलकुलेशंस ओरली ही हो जाए, तो 16×21=63 हुआ और 32×64, 16×63 और 64 जोड़ेंगे तो हुआ 127 को 16 से
मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 7 = 112, कैरी रहा 11, 16 × 2 = 32, 11 × 43 का 3, कैरी 4, 16 × 16 = 20, यानी 2032 सेंटीमीटर स्क्वायर कुल रहा। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है गुणनफल 672 × 36 × 25 बराबर है ऑप्शन ए 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, ऑप्शन बी 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या, ऑप्शन सी 60 दिनों में घंटों की संख्या, ऑप्शन डी 5 दिनों में सेकंडों की संख्या। तो इस प्रकार के प्रश्न में हम सीधा कैलकुलेशन यानी गुणा भाग करना शुरू नहीं करेंगे, सीधा ऑप्शन फर्स्ट उठाएंगे और बनाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है क्या, 1 सप्ताह में सेकंडों की संख्या, तो 1 सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, घंटा में बदलने के लिए 24 से गुना करें और फिर सेकंड में बदलना है तो 60 × 7, और देखते हैं कि क्या होता है 60 × 7, अगर 00 को हम हटा के 25 से भाग करें तो हुआ 4 × 25 = 100। अब 6 × 6 = 36, 36 को काट सकते हैं, अब बचा 672, 7 से गुना भाग करें तो 7 × 63 बचा 4 × 7 = 42 और 24 × 4 क्या हुआ 96, यानी खत्म हो गया, बचा 1। 1 बचने का मतलब क्या हुआ, इसका गुणनफल 1 सप्ताह में जितनी सेकंड हुई उसके गुणनफल के बराबर है, तो भागफल 1 ही आएगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें जब ताजा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। सावी ने 2709 किलो ताजा मछली 27 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदी और उन्हें सुखाने के पश्चात 97 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की दर पर बेच दी, तो उसका कुल लाभ क्या है, यानी कि उसे तो लाभ ही हुआ, तो करते हैं क्या, इसमें सीधा सेल प्राइस यानी जो विक्रय मूल्य रहेगा, जो विक्रय मूल्य रहेगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर गुना भाग करने लगे सीधा तो हमारा मेहनत बढ़ जाएगा और एग्जाम में उतना समय होता नहीं है, तो विक्रय मूल्य क्या रहेगा, 2709 किलो जो होता है वो सूखने के बाद 1/3 वजन का होता है, यानी इसका वजन 1/3 हो जाएगा और इसका रेट जो हुआ वो 97.5 रुपये हुआ, तो इतना होगा विक्रय मूल्य। इसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, कॉस्ट प्राइस था कितना 97.09 घटा 27 रुपये के जी था 97.09 बोल दिए थे, होता है मिस्टेक, 2709 और गुने 27 रुपये के जी, तो करना क्या है 2709 दोनों में है 2709 कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना 1/3, 1/3 गुने 97.50 घटा 27, तो 3 से डिवाइड कर दिए, 3 × 9 3 × 3 = 6 डेसिमल 1 बचा 3 × 5 = 15, यानी 32.5 में से 27 गया तो बचेगा कितना 2709, 32.5 में से 27 गया तो बचा 5.5 यानी 5.50। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, सीधा 5 से इसे मल्टीप्लाई करके लिखते 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35 का 5, 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 13 और इसे ऐसे रिवर्स में लिख लेते हैं 5 × 4 = 5 × 3 = 1, तो हुआ 5 × 5 = 9, 5 × 4 = 9, 5 × 3 = 8, 3 × 1 = 4, 1 × 1 = 1, 0 था 0 दे दीजिए, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल दे दीजिए, यानी 14,899.50 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। यही रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है
जूही ने बाइसाइकिल द्वारा 16 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, स्कूटर द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कार द्वारा 50 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। इन दूरियों को तय करने में लगा कुल समय मिनटों में कितना था? तो मिनटों में दे दिया तो हमारा काम आसान किया। जानते हैं क्या समय बराबर होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी रहा 16 किलोमीटर का और चाल है 15 किलोमीटर पर घंटे, और मिनट में दे दिया है यानी डेसिमल से बचा दिया, गुना 60 कर दीजिए क्योंकि ये घंटा में आता और मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो इसी प्रकार तीनों डिस्टेंस तीनों टाइम निकाल लेते हैं। तो नेक्स्ट है कितना, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, तो 20 बटे 50 गुने 60। और लास्टली कार से गया कितना, 50 किलोमीटर की दूरी तय किया वही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 60 से इसको भी गुना ताकि सारा मिनट में ही निकल जाए। 15 चौके हुआ 60, 0 से 0 खत्म, 5 चौके 20, 60 से 60 खत्म, 16 चौके 64, यहाँ बचा 6 चौके 24 और यहाँ पर 50, यानी 8 6 2 8 5 13 138 मिनट। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर हुआ ए। तो फ्रेंड्स आज का सेट आपने देखा और आपको कैसा लगा कमेंट अवश्य कीजिएगा। और कल हमने पिछले वीडियो में 15 क्वेश्चन का सेट दिया था, आज भी 15 क्वेश्चन का सेट, इसी प्रकार का सेट चलता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि दोनों ही सेटों में लगभग समान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चंस पिछले वर्षों में सीटेट द्वारा पूछे गए क्वेश्चन बैंक से ही लिया गया है। तो हमारे साथ बने रहें, अगर इस प्रकार हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अवश्य सफलता मिलेगी।